CSU में आपकी सलामती हूँ मैं तानिया कमल प्रोग्राम वसीन नुकता नज़र के साथ एक बार फिर अजीजों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और गुड फ्राइडे को खूब सेलिब्रेट कर रहे होंगे हमारे पास्टर हमारे दरम्यान मौजूद है। हैं थैंक यू uh, सब सुनने वालों को भी मुबारक हो आमीन आमीन जी पास जी आज हम बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे के हवाले से तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये गुड फ्राइडे गुड क्यों है अब अगर साल में देखें तो फोर्टी एट फ्राइडेज आते हैं तो हम इसी वाले फ्राइडे को आज तक गुड क्यों कहते चले जा रहे हैं मतलब कोई और फ्राइडे गुड क्यों नहीं है और अगर ये गुड है तो इसके पीछे क्या राज की बात है देखिए ये तारीखी वाक्य है जो पैंतुस प्लास के अहद में हुआ और यरूशलेम की सरजमीन पे हुआ क्या? इस दिन खुदाउसि को गुना ना साबित होने पर हुँ. ना तो रोमन गुना साबत कर सके कि उसे सलीब दी जाए और ना फकी, फकी फरीसी कर चुके लेकिन लोगों की खुशी के लिए हुँ. एक बेगुना को वो सलीब के देने के लिए ले गए तो जो यीशु के पीछे लोग आ रहे थे वो तीन किस्म के थे एक वो जो यीशु को रबी मानते थे एक वो जो कह रहे थे कि फितने से हमें निजात मिली और खुश हो रहे थे और एक रोमन सिपाही थे जो हाकम का हुक्म मानने के लिए उसको सलीब देने के लिए जा रहे थे तो है। वो जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है तो लोग थे तो यसुमसी ने कहा कि अब बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं वाकई वो नहीं जानते थे कि वो क्या करते हैं आज हम जानते हैं कि वो क्या हो, कुछ हो रहा था वो एक बड़ी कुर्बानी को जो शैतान को खुदा ने कहा था कि एड़ी एड़ी पे पे सर सर तो इसलिए हम इसको वो लोग नहीं जानते थे आज हम जानते हैं कि उस दिन गुनाह को मौत को और अब हमें फ नसीब हुई और हमारे गुनाह जो थे वो सलीब पर लेकर यीशु स्लीप पर चढ़ गया जो कोई आज अपने गुनाहों को स्लीप पर यीशु के साथ मसलूब करता है उसके भी गुनाह मुआफ़ होते हैं तो अगर हम इस कुर्बानी को कबूल करते हैं तो हमारे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं क्योंकि यसुम सी आया ही इसीलिए था कि वो मौत को फता करे शैतान को फता करे और उसके सर को कुचले आज उसका सर कुचला गया है इसलिए हम ये ईद बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं ये हमारे लिए खुशी का दिन होता है क्योंकि इस दिन हमें मौत से निजात मिली अब भी मौत से निजात मिली बहुत बड़ी फतह का दिन हो गया फिर तो ये हमारे लिए बस आपने अभी बात करते करते आपने बयान किया कि हमारे गुनाह सलीब पर मसलूब हो गए अब हम तो इस दौर में पैदा हुए येसु मसीह ने तो कुर्बानी जो दी वो आज से दो हजार साल पहले उन्होंने ये कुर्बानी दी तो हमारे गुनाह जो वो कैसे मसलूब हुए देखें ये खुदा का अजली खुदा का इरादा था और जो काम करता है वो एक नस्ल के लिए नहीं करता वो सब के लिए करता है जो जो लोग कुर्बानी से पहले और जो बाद में और जो बाद में आएंगे उन सब के लिए मसीह ने अपनी जान दी और जो कोई उसको ऊपर ई मान लाता है कि वो मेरे गुनाहों की खातर उसने सलीब उठाई मेरे गुनाहों की खातर उस पर मुकदमा चला और मेरे ही गुनाहों की खातर वो मुआ तो वो निजात पाता है ये निजात ओपन निजात नहीं है कि सब के लिए सब कोई गुनाह माफ हो गए सिर्फ उनके लिए जो इस कुर्बानी को कबूल करते, करते हैं कभूल जो उनको कभ... करना ज़रूरी है हाँ कबूल करना ज़रूरी है अगर कबूल नहीं करते तो ये कुर्बानी उनके लिए काफी नहीं है फिर उनका क्या होगा अगर उनके लिए ये कुर्बानी काफी नहीं है और वो कबूल भी नहीं कर रहे दुनिया में तो ऐसे बे इनतहा लोग हैं जो कबूल नहीं करते और अपने आप को बिल्कुल उसी तरह रखते हैं जैसे जिस मजहब में पैदा हो गए कहते हैं हमारा मजहब ही हमारी माँ है उनका क्या होगा वो उनकी उनकी कोई क्यामत होगी या वो बस ऐसे ही पार हो जाएंगे नहीं उनकी क्यामत होगी उनका जो जिसमानी है उनका जिसमानी तरीके से इंसाफ होगा और इसी तरीके से उनको सज़ा भी मिलेगी और उनको जजा भी मिलेगी वो उनका इंसाफ़ होगा उनके लिए अदालत लगेगी और वो बरा के सामने वो बरा उनको जब क़्यामत के रोज़ अदालत होगी तो वो जो उनमें से जिनके अरादे जो रूहानी तौर पर जिनके जिन्होंने अपने अरादे से वो नेक साबित किया होगा वो बच जाएंगे लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो नहीं बचेंगे क्योंकि वहां पर इंसाफ होगा जिसका काम गलत होगा वो चल जाएगा और जिसका काम अच्छा होगा वही बचेगा जी तो ये दूसरी अदालत में उनका इंसाफ होगा लेकिन जो मसीह को कबूल करेगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे उनके और क्योंकि वो उनके गुनाह उठा के ले गया आमीन अच्छा बस अब ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना बात क्योंकि आज गुड फ्राइडे का दिन है तो ये बात इस बात पर भी बार बार ग़ौर करवाया जाता है कि पुरानी इंसानियत जो है ना वो हमने उतार दी और हमने नई इंसानियत जो उसको पहना है अब इंसानियत तो इंसानियत होती है मतलब एक इंसान अगर मैं अपने आप को ही रखूँ तो मैं एक इंसान हूँ अब मैं पुराना इंसान कैसे हूँ और नया इंसान कैसे हूँ इस पर ज़रा प्लीज़ रोशनी डालें ताकि आज देखने वाले अगर किसी इंसानियत का शिकार हैं तो मौका मिल जाए और हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें जो आपने सवाल किया कि ये पुरानी इंसानियत क्या है पुरानी इंसानियत गुनाह की ग़ुलामी है और गुनाह की गुलामी जो है वो ये है कि हम से हम नेक काम कर ही नहीं सकते और नेक काम से मुराद ये नहीं है कि कोई अच्छा काम किसी इंसान से सरजद नहीं होता इससे मुराद ये है कि अगर हमारी ज़िंदगी में एक भी गुनाह है तो वो गुनाह हमें बचा नहीं सकता क्योंकि बागएदन में सिर्फ बच नहीं पाएंगे उस एक की वजह से एक ही गुनाह की वजह से क्योंकि बागएदन में आदम ने बहुत सारे गुनाह नहीं किए थे एक, एक ही एक ही हुक्म को नहीं माना था और अगर हमारी जिंदगी में एक भी गुनाह है तो हम मौत के दायरे में हैं और हम पर मौत लागू है और वो अवधि मौत है अगर हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदिल है क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का फिदिया दिया है और फिदिया ये होता है कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर देना बग़ैर मुआवजे दे के तो हम हमें जो आज़ादी मिली है ये हमारी अपनी कोशिशों से नहीं है ये हमें मुफ्त में मिली है हम पे मुफ्त में फजल हुआ है और हमें गुलाम से आज़ाद कर दिया गया है और ये उस बड़ी कुर्बानी से जो कोई इंसान नहीं दे सकता था जो उसके बदले में हमें ए, हम लाख कोशिशें करते हम खुदा के साथ मलाप नहीं कर सकते थे उस कुर्बानी के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं और हम रास्त बास ठहराए जाते हैं और जब हम रास्त बास ठहराए जाते हैं तो फिर लिखा है कि अब जो मसीह यसु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं तो ये जो सज़ा का जिन पर हुक्म नहीं वो नई इंसानियत में है और जिन पर खुदा गुनाह जिन पर जो उसको कबूल नहीं करते उन पर सजा का हुक्म है बल्कि हुआ कि वो हर वक्त मौत के जमरे में है आमीन मतलब केसु मसीह ने देखें इतनी बड़ी कुर्बानी दी अपने आप को ही कुर्बान कर दिया आज तो देखें कोई रास्ते बाज भी होना तो उसके लिए भी लोग अपने आप को ख़राब नहीं करते उसकी भी गवाही नहीं देते वो कहते नहीं जी इससे हमारा क्या लेना देना तो यसु मसीह तो खुद जो थे वो खुदा थे और उन्हें क्या जरूरत थी के गुनागार लोगों की जो है इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें मतलब क्या मिला खुदा को ऐसा करके लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो तो ये खुदा का हम पे फजल है कि उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और वो यौनर सुल की झील में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था तो जो कलाम खुदा था वो खुदा की क़ुदरत से ए, मरीम के बातन से तजसम उसने अख्तियार किया uhum. और जब उसने तजस्म अख्तियार किया तो वो इंसान बन गया क्योंकि बाइबल ये कह, फैसला करती है कि बग़ैर खून बहाए गुनाह की माफ़ी नहीं है नहीं। तो उस उस बात को पूरा करने के लिए वो खुद दुनिया पे आया क्योंकि कोई इंसान ऐसा ऐसी कुर्बानी दे नहीं सकता था जो इंसान बे बेब और बेदा हो क्योंकि सब इंसान गुनाह करते हैं लिखा है कि सब ने गुनाह किया और ख़ुदा के जलाल से महरूम में। है तो जब हम खुदा के जलाल से महरूम है और हमारी कुर्बानी खुदा के हजूर काबले कबूल ही नहीं हो सकती तो हम किस तरीके से खुदा के साथ मिलाप कर सकते थे खुदा ने क्योंकि हमें प्यार करता है उसने अपने बेटे को भेजा और बेटे ने आकर दो चंद कुर्बानी दी ना सिर्फ उसने हमें हमारे गुनाहों को माफ कर दिया बल्कि हमारा खुदा से मिलाप भी करा दिया अच्छा आप कहने कि यस्सु ने कुर्बानी दी और अपनी ही कुर्बानी दी जी जबकि देखें मूसा की शरीयत के मुताबिक जब ये कुर्बानी देने का सारा इख्तियार था ये लावियों के पास था लावी ही सरदार काहिन हो सकता था और लावी ही जो है वो कुर्बानी देता था अब यसु जो है ये तो सरदार काहिन नहीं है ये तो खुदा का तजस्म है तजस्म खुदा है और आपने कहा अभी के उन्होंने हमारा फदिया दी है उन्होंने हमारे लिए क़ुरबानी तो दी है तो क़ुरबानी भी उन्होंने दी जबकि वह सरदार कहन आपने जिक्र नहीं किया तो इस पे प्लीज जरा रोशनी डालिए जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आ रहा था तो उसको इस तब, उसका इस्तकबाल करने के लिए मुल्क के सालम का बादशाह उसको मिला और उसने उसके लिए बरकत चाही और उसने उसे हर अच्छी चीज में से दसवां हिस्सा जो था लूट के माल में से दिया ना तो उसने कभी कुर्बान गाँ की खिदमत की थी ना ही वो उसका नसब तो ही नहीं बनी थी जी और ना ही वो उसका कोई नसब था ना उसका कोई बाप था ना कोई उसका माँ था माँ थी और फिर भी वो सरदार कहन था मूसा के ज़माने में हारून जो था वो ए, जो भी कहन कुर्बानी करता था वो mm. तो पहले अपनी कुर्बानी करता अपने गुनाहों की कुर्बानी करता की और, था, और फिर वो कौम के गुनाहों की कुर्बानी करता था अगर ये कुर्बानी कामल होती तो फिर दूसरे सरदार कहन, कहन की जरूरत न पड़ती और दूसरे सरदार कहन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये, ये कुर्बानी कभी भी हमें निजात की तरफ नहीं ले जा सकती थी तो दाऊ यहाँ पर थी कहाानत भी बदल गई और शरियत भी बदल गई बिल्कुल और अब जो शरियत है वो खुदा ने मसीह के वसीला से हमें दी कि वो हमारे गुनाहों की खातिर हुआ और वो हमारा सरदार कैन था ठहरा जो यहूदा के कबीले से था तो उसने क्या किया कि अपने, अपने गुनाहों की नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की कुर्बानी देकर उसने खुदा के पास सारे आसमानों से गुजर गया और वहाँ पर उसने अपने खून को पेश किया जहाँ पर जो खुदा ने मूसा को पहाड़ पे दिखाया था कि इस नमूने के मुताबिक खैमा अज्जमा अपना तो जो असल खैमा अज्तम था उसमें जाकर उसने खून को छिड़क दिया आमीन बहुत बहुत बड़ी बात और बहुत खूबसूरत कुर्बानी और ऐसी कुर्बानी जिसका कोई निमो बदल ही नहीं है ना दुनिया में इंसानों के पास और ना किसी और जहान में और इंसान की मुकम्मल मखलसी और आज़ादी है इसके साथ में ये पूछना चाहूँगी आज गुड फ्राइडे का हवाले से हम बात कर रहे हैं एक बात तो आप पहले ही कर चुके हैं कि खुदावन यसु मसीह ने कहा था आए बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं क्योंकि ये खुदा के अजली इरादा के मुताबिक कुर्बानी जो थी वो दी जा रही थी यसु मसीह की माँ भी जो है वो सलीब के पास खड़ी थी और उनके एक शागिर्द भी जो थे वो वहाँ मौजूद थे अब यसु मसीह के बारे में मतलब ये भी लोग अक्सर जब बात करते हैं स्टडीज़ करते हैं तो कहते हैं कि उनके और भाई भी थे तो यसु ने अपनी माँ का जो मतलब जिम्मेदारी थी वो शागिर्द को क्यों दे दी देखिए अगर यसुमसी के और बहन भाई होते तो वो इतने बड़े वाक्य पर वो सलीफ के नीचे जरूर होते ए, कोई हतमी फैसला इस पे तो नहीं हो सकता क्योंकि यसुमसी ने कभी भी नहीं कहा कि मेरा कोई बहन भाई है और जब भी यसुमसी ने बात की जिंदगी में तो कहा कि जो मेरा कलाम सुनते और मेरे पर अमल, करते, पर अमल हैं। करते हैं वो मेरे माँ बाप हैं और वही मेरा बहन भाई, भाई है तो यसू मसी ने तो कभी भी ऐसा कोई इकरार नहीं किया सलीब के नीचे योहन्ना थे जिनको यसु प्यार करता था और ये मरियम थी तो उसको क्योंकि वो एक कामल इंसान भी थे इसलिए उन्होंने अपनी माँ को बड़ी मोहब्बत से योहन्ना के सपर्द किया और लिखा हुआ है कि वो उसी वक्त उसको ले गया बहुत अच्छी फर्मादारी को ये जो कलमा है मुख्तलिफ टाइम पे यस्ु मसीह ने कलमे अदा किए एक बार डाकू से भी की थी अब डाकू की अगर पास जिंदगी देखें, तो डाकू अच्छे लोग नहीं होते वो लूटते हैं लोगों को दुख भी देते हैं अगर लूट का माल ना मिले तो मार भी देते हैं अब डाकू को भी खुदावन यसु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दौस में होगा क्या यह डाकू के लिए मुनासिब था कि उसको ये कहा जाए डाकू ने जो जुमले इस्तेमाल किए वो ये थे कि हम तो अपने गुनाहों की बदले में स्लीप पर चढ़े हुए हैं लेकिन ये बेगुनाह है फिर उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना इन जुमलों से हम क्या समझते हैं हम समझते हैं कि उसने पहले तो अपने गुनाहों का इकरार किया फिर यीशु को कबूल किया और फिर उससे आगे रिक्वेस्ट भी की दुआ भी की तो उसकी तो पूरी निजात का काम जो था उसने स्लीप एक लम्हे में मुकम्मल कर दिया अच्छा इतनी बड़ी बात आपने कह दी एक लम्हे में क्या अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं हैं सुन अगर अभी क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है बिल्कुल पॉसिबल है जो कोई उस पर ईमान लाता है वो उसे हर किस निकालना देगा वो उसको कबूल करता है के वो दिल से ये बात माने कि मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ और उसने मेरे गुनाह स्लीप पर उठा लिए। अच्छा खुदा यसुम मसीह अपने बाप की फरमम बरदारी करते हुए एक नहायत फरमम बरदार बेटे होने के उन्होंने कुर्बानी दी और शाहाना तौर पर दाखिल भी हुए हर बात को हर मौके पर वो हर चीज़ सही अदा कर रहे हैं और इवन अगर गैतसमनी बाग का वाक़ याद करें तो वहाँ पर यसु मसीह का दुख से दुख का ये आलम था कि उनका पसीना गोया खून की बूंदे होकर जमीन पर गिरा और यहाँ पर यसु मसीह इतने ऐसा लम्हा क्यों आया उनके ऊपर बाप ने छोड़ दिया पहले जो बात आपने की मैं उसका जवाब देता हूँ और फिर दूसरी बात का पहले जो ये बात है कि यसु मसी कामल इंसान भी थे जब वो कामल इंसान थे तो उनको बिल्कुल जो कोई थप्पड़ मारता था उसकी उसका उनको उन, उसकी तकलीफ, तकलीफ होती थी, होती थी जब कोई कोड़े लगते थे तो उसकी भी तकलीफ होती थी जब उनको ये पहले से मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो वो दुआ कर रहे थे तो उनका पसीना जो था वो खून की बूंदे बन के गिरा मेडिकल साइंस में ये इंतहाई गम की हालत है तो वो यहाँ तक फर्मा बरदारा कि उसने अपनी जान तक दे दी तो अब आपने कहा कि वो उसने अपना चेहरा क्यों चे... उसने क्यों कहा क्या है खुदा मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया तो छोड़ देने की वजह यह थी कि खुदा पाक है बिल्कुल पाक है वो एक गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ पर तो सारे जहानों के लोगों के गुनाह उसके ऊपर लाते हुए थे तो क्या खुदा इतने गुनाहों को देख सकता था बिल्कुल नहीं एक लम्हे के लिए उसने उसको छोड़ दिया लेकिन जैसे ही कुर्बानी मुकम्मल हो गई और उस वो जलाल में आ गया यूसुमसी ने दुआ की थी कि तू मुझे अपने जलाल में दोबारा शामिल कर लेना तो वो अपने जलाल में उसको शामिल कर लेता है फिर वो उसका बेटा है जो नहाय ही से जिसने से जिसने उसकी पूरी फरम की आमीन बेहद खूबसूरत बात बस एक और बात इसी हवाले से अब देखें जब इंसान की जान निकलती आपने कहा यसुमसी कामिल इंसान थे इंसान जब जान देते हैं तो वो जान ली जाती है उनसे यसु मसीह ने सलीब पर बड़े इख्तियार से कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं यानी वो अपनी रूह को खुद दे रहे हैं जबकि अभी उनके हाथों में और पैरों में अक्सर जब हम इस पूरे वाक्य पे गौर करते हैं तो कील लगने से डेथ नहीं होती वाकया कि हाथों में कील लगा दिए जाए खून का बेहद जया तो होगा लेकिन उसके बाद ब्लड क्लॉट भी होगा तो डेथ तो नहीं होती यहाँ यीशु मसीह इतना बड़ा इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करें कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ इसकी प्लीज वजाहत कीजिए देखिए खुदा जो है वो मर नहीं सकता खुदा कभी नहीं मरता तो खुदा मसीह ने अपनी जिंदगी में ये बात कही थी कि जान देने का और जान वापस लेने का भी इख्तियार है तो यहां सलीब पर सुनसी की जान जो भी पे मर चढ़ता था वो उसकी जान वो मरता नहीं था वो उसको मारा जाता था उसके घुटनों पर डंडे से वो रॉड से उसके घुटने तोड़े जाते थे और फिर वो मरता था हमारे पास एक बड़ी अच्छी पेशन गोई है कि उसकी हड्डी ना तोड़ी गई तो ये नौबत नहीं आई कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी जाती तो उसने अपनी जान जो थी अपनी रूह जो थी वो खुद अपने बाप को दे दी और इसलिए हम नहीं कहते कि कभी खुदा की जान निकलती है उसने अपनी रूह खुदा को सौंपी किसी फरिश्ते में इख्तियार था कि वो आकर उसकी जान ले लेता बिल्कुल बिल्कुल ये भेद की बात है और क्योंकि यही चीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का भी बास है कि वो खुदा था तो खुदा की जान कैसे निकल गई बेशक ये बात बहुतों के लिए ठोकर का बायस है क्योंकि वो उन कलम को भी ज़ेरे गौर नहीं लाते जो खुदावन यसु मसीह ने सलीब पर अदा किए कि मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूँ यसु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ तो इतनी इतनी टाइम से इतनी करब से वो गुजर रहे हैं और उन्होंने पानी या किसी चीज़ के लिए नहीं कहा इवन मेरा ख्याल है थूकने मारने वालों पर और बुरा भला कहने वालों को किसी को पलट के जवाब नहीं दिया प्यास तो पहले भी हुई होगी खास मौके पर कहा उन्होंने कि मैं प्यासा हूँ किस चीज की प्यास थी उन्हें वो तो खुद वो पानी है जो जिंदगी का पानी है और जिंदगी का पानी आज कहता है मैं प्यासा हूँ किस चीज की उनको प्यास लग गई थी प्यासा लेकिन पूरी रात वो यीशु के ऊपर जुल्म करते रहे उसको कोड़े मारे उसको मुक्के मारे और उसको सलीब उठाकर कैलवरी पर आना पड़ा तो ये सारा कुछ वाक़ हुआ तो पानी तो लॉस हो गया था इंसानी फितरत में जब पानी जिसम से लॉस हो जाता तो प्यास वक्त हो डिहाइड्रेशन होती है तो अगर वो कहता है मैं प्यासा हूँ तो ये कोई ऐसी को बात नहीं है हम इंसानी तौर पर सोच सकते हैं कि पानी का लॉस थे वो उसके ज़बान जो है वो लग गई होगी खुश्क हो गई होगी तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ लेकिन ये प्यास इस बात की नहीं थी ये प्यास हमारी हम हमें वो जिंदगी का पानी दे, जो दे, देना चाहता था उसकी बात थी कि देखो मैं आज तुम्हारे लिए प्यासा हूँ तुम मेरी इस बड़ी कुर्बानी को जो मैंने तुम्हारे लिए दी है इसको कबूल करो और मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बेशक आखिरी एक छोटा सा सवाल है कि तमाम हुआ कोई काम शुरू किया जाता है तो फिर उसका एंडिंग होता है यसु मसीह तो जो है वो बड़े उन्होंने कहा कि तमाम हुआ इतने वसूख से कहा तमाम हुआ क्यों कहा उन्होंने देखिए बात असल में यूं है कि जो पुराना इतना है ये यूनसी की आमद की ख़बर देता है और नया इतना उसकी तकमील की देता है इसमें हज़ारों पेशन गोई हैं इसमें हजारों बातें हैं जिनकी तकमील शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए थी जैसे कहता है कि एक शरीयत का एक नुक्ता भी नहीं टलेगा तो जब एक नुकता भी नहीं टलना था सारी पेशेंट को ये पूरी होनी थी तो मसीह को पूरी बात का जवाब उसने दिया कि मैंने वो सारे काम मुकम्मल कर दिए जो बाप ने मेरे सपोर्ट किए थे, थे। इसलिए उसने फतेह का नारा लगाया कि तमाम हुआ यानी मैंने जो काम मेरे बाप ने मेरे मुझे सौंपे थे वो मैंने पूरे कर बहुत बहुत शुक्रिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया फतेह का दिन आज हम मना रहे हैं फतेह का दिन अजीजों फ़तह का दिन हमारे लिए ये दिन तभी अहम है जब हम इस दिन की रूह को जाने कि इस दिन खुदा ने हमारे लिए क्या किया खुदा ने हमसे यूं मोहब्बत रखी कि उसने अपनी जान दे दी आज हम उसकी जान की कदर करते हैं क्या आज हम ये कह सकते हैं कि हम उसके लेपालिक बेटे और बेटियां हैं अगर नहीं कह सकते तो इसी वक्त उस डाकू से तो हमारी ज़िंदगी बेहतर है जिसने आखिरी लम्हा पर कबूल किया और उसके साथ दोस्त में है हमारे पास भी मौका है कि आज हम यसु मसीह पर ईमान लाएँ पता का नारा लगाएँ अपने गुनाहों का इकरार करें और उसके साथ उसकी बादशाहत के फर्जंद बन जाएँ अपना ख्याल रखिएगा प्रोग्राम देखते रहिए मसीह नुक़ नजर फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी जगह पर

जाए तेरी निशानी हम बन जाएं तेरी कहानी हम बन जाएं तेरी निशानी हम बन जाएं रह पर है तू रह पर है तू रह पर है ये सु रह